नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय कुमार मौर्य, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दोस्तों यहाँ पे हम जो है कि भदोही वाला जो सेटअप था, जो आप लोगों के एरिएशन के लिए हमने जो है कि वीडियो डाला था कि एरिएशन सिस्टम आप कैसे लगाएं, तो वो वाला सेटअप यहाँ पे चल रहा है। ये आप लोग पूरा देख रहे हैं, ये 50-50 हज़ार लीटर का टैंक है दोनों, और 2 SP का रिंग ब्लोअर जो है कि इधर साइड वाले जो गोदाम वाला सिस्टम जहाँ पर चारा वगैरह रखा जाता है उसमें जो है कि रिंग ब्लोअर चल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक प्रॉब्लम आई है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि 4 महीने का कल्चर हुआ है ये टैंक में, और इसमें जो ग्रोथ है वो 150 से 200 ग्राम के आसपास की मछली है। कुछ मछली है जो कि आधा किलो का बता रहे हैं कि मतलब इक्का दुक्का मछली जो है जो कि आधा किलो के आसपास का बता रहे हैं कि दिख रही है, लेकिन बाकी का एवरेज देखा जाए तो 150-200 ग्राम का है और 4 महीने का लगभग कल्चर हो चुका है। 15 अप्रैल के आसपास शायद डाले थे इसको, कंप्लीट एरिएशन वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, उसी के आसपास डाले थे। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे आए देखे इसको, तो यहाँ पे समझ में आया कि मछलियों को जो है कि चर्बी बहुत हो गया है, ठीक है। मतलब जो पेट होता है वो सपाट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे रूपचंदा का साइज होता है चौड़ा एकदम इस तरह का, उस हिसाब से जो है कि इसका पेट जो है कि निकल गया है, तो चर्बी बहुत बढ़ गई है। तो जिनके टैंकों में ग्रोथ का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि कहीं जो है कि चर्बी तो नहीं बढ़ रही है, मछली का पेट तो नहीं निकल रहा है। और कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि ब्रूडर का भी दिक्कत हो सकता है, ब्रूडर आपका छोटा है तो उस कंडीशन में जो है कि आपका जो है कि बच्चा नहीं बढ़े तो उसमें आप जो है कि कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे लॉस ही है। लेकिन यहाँ पे हम जो देखें यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे चर्बी बहुत बढ़ा हुआ है। तो मेन प्रॉब्लम ये है, इसको कम करने के लिए आप नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे भोजन में हम लोग नमक खाते हैं, आप जितना चारा डालते हो उसी के स्वाद अनुसार जो है कि नमक जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि चर्बी जो है जो फैट होता है वो कम किया जा सके। और FCO का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क आपको नमक डालने पर पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं सारी, आप लोगों को जो है कि ये इन चीज़ों के बारे में बताना था, तो इसके लिए ये वीडियो हम बनाए हैं। और वैसे पानी का क्वालिटी वगैरह आप लोगों को बैक कैमरे से चेक कराते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें पानी का क्वालिटी का, तो पानी का क्वालिटी बहुत ही अच्छा मेंटेन जो है कि फ्लॉक वगैरह बहुत अच्छा मेंटेन है, और एरिएशन सिस्टम भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे से चल रहा है, क्योंकि ये 1 लाख लीटर का सेटअप है और 2 HP का जो है कि रिंग ब्लोअर यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लगभग 3 टैंक मतलब 1.5 लाख लीटर के लिए जो है सफिशियंट होता है, आराम से चल जाता है। और यहाँ पे जो है कि आप ये डिज़ाइन देखेंगे टैंकों का, तो ये इस तरह का जो बनाया गया है ताकि टैंक फटे नहीं, सेफ्टी के लिए। और यहाँ पर जब टैंक बनाए गए थे तो ये वाले टैंक में काफ़ी लीकेज जो है कि आया था, ज़मीन बैठ गया था। जो बड़े टैंक हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो बड़े टैंक है वो जो है कि अच्छे मिस्त्री से बनवाए, क्योंकि टैंक जो है कि ज़मीन बैठ जा रहा है, दीवार फटने का छोड़ो ज़मीन बैठ जा रहा है। तो इसको जो है कि दोबारा रिपेयर करवाया गया, इसलिए कल्चर जो है कि इसमें काफ़ी लेट हुआ, क्योंकि ये टैंक बना हुआ है ठंडी के आसपास, ठंडी में बना था ना ये ठंडी। तो टैंक के बाद आपका जो है कि 2 बार फटा था ना, क्रेक हुआ था। हाँ, 2 बार क्रेक हुआ था, पूरा तोड़ के फिर से बनाया गया है। कमी हो गई, डॉक्टर फिस्टिक नहीं मिला है, डॉक्टर फिस्टिक लास्ट में जब मिला दिया तो रुके। डॉक्टर फिक्सल मिला के गुड़ डाले थे ना उसमें, डॉक्टर फिस्टिक गुड़ मिला के डाल दिए, तो डॉक्टर फिक्सल के साथ में गुड़ मिला के डाले थे। ये तो मतलब एकदम नया तरीका है। दोस्तों यहाँ पे अंदर ये जो है कि रिंग ब्लोअर चल रहे हैं, ये 2-2 HP के रिंग ब्लोअर हैं, और ये स्टेबलाइजर यहाँ पे लगाया गया है सेफ्टी के लिए, ठीक है। और ये पूरा कनेक्शन हो गया सब कुछ यहाँ पे। धीरे धीरे बढ़ रही है।